Welcome to my YouTube channels and also you will welcome to my viewers. Today's topic is machine tools. My subject is production engineering and today's topic is machine tools. Machine tools होता क्या है? हमने मशीनिंग पढ़ा, ड्रिलिंग पढ़ा, ड्रिलिंग मशीनिंग प्रोसेस पढ़ा, टूल लाइफ पढ़ा, मिलिंग प्रोसेस. इसके बाद हम लोग मशीन टूल होता क्या था और हमने मशीनिंग प्रोसेस पढ़ लिया कि मेटल रिमूविंग इज अ मशीनिंग. तो हमारा मशीन टूल होता क्या है? जिस डिवाइस पे मशीनिंग होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? मशीन टूल. तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? डिवाइस इन विच मशीनिंग इज डन, मशीनिंग इज डन इज कॉल्ड मशीन टूल्स. ये सब्जेक्ट गेट के अकॉर्डिंग और ईएससी के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये टॉपिक हमारा मशीन टूल्स आ रहा है. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है और हमारा न्यूमेरिकल पार्ट इसमें रहता है. न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मशीन टूल्स पे आते हैं. तो डिवाइस इन विच मशीनिंग इज डन इज कॉल्ड मशीन टूल्स. मतलब एक ऐसा यंत्र जिसपे मशीनिंग होता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? मशीन टूल्स. जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मशीन टूल्स पे कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आ जाएगा लेथ, फिर आ जाएगा मिलिंग मशीन टूल्स, मिलिंग, तीसरा आ जाएगा ड्रिलिंग, फोर्थ क्या आ जाएगा? चौथा, फोर्थ आ जाएगा आपका ग्राइंडिंग, एंड फिफ्थ ऐसा बहुत सारा आ जाएगा, फिर शेपिंग, हॉबिंग, हॉबिंग, हॉनिंग. हॉनिंग भी एक आता है जो ग्राइंडिंग का ही पार्ट है. तो हमारा सबसे पहले हम मशीन टूल्स में क्या पढ़ेंगे? लेथ, फिर मिलिंग, फिर ड्रिलिंग, फिर ग्राइंडिंग, शेपिंग, हॉबिंग, हॉनिंग. हम सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ सिलेबस में कवर करेंगे और ज्यादा नहीं, हम लोग बस ओवरव्यू पे जाएंगे और डिटेल व्यू में चले जाएंगे और अकॉर्डिंग टू गेट का सिलेबस के मुताबिक हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोग वो सब देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा लेथ मशीन टूल्स. तो लेथ मशीन टूल्स है क्या? तो हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट मशीन टूल्स, पहला मशीन टूल्स पे आते हैं, लेथ मशीन टूल्स. लेथ मशीन टूल्स, लेथ होता क्या है? लेथ इज अ मशीन टूल ऑन विच द सर्फेस ऑफ द रिवोल्यूशन कैन बी प्रोड्यूस. मीन सर्फेस ऑफ द रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा सरफेस, ये जो कंपोनेंट जॉब है और वर्कपीस है, वो हमेशा क्या होता है? रोटेट करते रहता है, रोटेट करते रहता है. क्या करते रहता है? रोटेट. और लेथ मशीन टूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ मशीन टूल्स. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक डायग्राम, फ्री हैंड डायग्राम स्केच बनाते हैं. ये है हमारा लेथ, लेथ मशीन टूल्स का फ्रंट व्यू. मतलब पूरा नहीं है, बस वर्कशीट के मुताबिक वर्कपीस है. ये हमारा क्या है? वर्कपीस. ये क्या है? वर्कपीस. और ये हेड स्टॉक या चक, इसको बोलेंगे चक. ये कटिंग टूल, कटिंग टूल हो गया. तो मीन्स हमारा क्या बोला जा रहा है कि ये जो जॉब है, जॉब चक के साथ, चक क्या किया? जॉब को होल्ड करके रखा है और वो रोटेट कर रहा है स्पिंडल के हेल्प से. तो हमारा इससे कुछ पता चल रहा है कि इससे सबसे पहले पता चल रहा है कि हमारा सिलिंड्रिकल जॉब इसमें मशीनिंग होता है. तो इसका पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ मशीन टूल्स ऑन विच द सर्फेस ऑफ द रिवोल्यूशन कैन बी प्रोड्यूस. इट इज कॉल्ड फादर ऑफ मशीन टूल्स. एंड इन दिस लेथ मशीन सिलिंड्रिकल कॉम्पोनेंट विल बी मशीन. तो ये हमारा है लेआउट ऑफ, लेआउट है इसका, लेआउट ऑफ लेथ. तो सबसे पहले लेथ में क्या आ जाता है? सबसे पहला पार्ट ये हेड स्टॉक है. क्या है? हेड स्टॉक. हेड स्टॉक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्पिंडल. स्पिंडल के बाद चक. सारा डिटेल पढ़ेंगे, एक एक कंपोनेंट का, एक एक कंपोनेंट का वर्किंग फंक्शन क्या है क्या नहीं, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद. और ये चक है, ये क्या है हमारा? ये पूरा पार्ट आ जाता है कैरेज. क्या बोलेंगे इसको? कैरेज. कैरेज पे भी, कैरेज पे टोटल पांच
टोटल पांच पार्ट माउंट रहता है। सबसे पहले टूल पोस्ट, सैडल, टूल कैरेज, सारा कुछ इसमें माउंट रहता है। ये हो गया आपका टेल स्टॉक। क्या है? टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ये पूरा इसको इसको फुल पूरा बोलेंगे बेड। बेड बेड पे पूरा लेथ मशीन के जितना भी कंपोनेंट है सारा बेड पे माउंट है। यह है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का काम है थ्रेडिंग पे, थ्रेडिंग और ऑटो फीड पे, ऑटो फीड पे। तो हमारा ये हो गया। सबसे पहले क्या आ जाता है? हेड स्टॉक, सेकंड में स्पिंडल, फिर चक। चक चक आपका दो टाइप का रहता है, थ्री जो चक, फोर जो चक। तो हम लोग जनरली जहां भी यूज होता है वो भी थ्री जो चक यूज होता है। क्यों थ्री जो चक? इसको यूनिवर्सल चक कहा जाता है कि एक मतलब एक की से हम लोग तीनों ऑटोमेटिक हमारा मूवमेंट करता है। मीन्स हमारा इसमें कोई चांसेस नहीं है कि एक लूज रह गया एक मतलब टाइट हो गया। मीन्स तीनों मतलब थ्री एक ही की स्लॉट से कंट्रोलिंग है। ये हमारा कैरेज है जहाँ टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट में जहाँ पे टूल लगाया जाता है। फिर ये टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग कंपोनेंट पे किया जाता है, जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया या ड्रिलिंग करते हैं तब तो हम लोग इस पे टूल पोस्ट पे काम आता है। और लॉन्ग जैसे हम लोग क्रैंकशाफ्ट को मशीनिंग हो रहा है तो क्रैंकशाफ्ट में मशीनिंग होता है तो हम लोग टेल स्टॉक का काम आता है। ये बेड हो गया, लीड स्क्रू हो गया। बेड पे सारा माउंट किया जाता है, सारा माउंट किया जाता है। तो हमारे ये सबसे पहले आता है कंपोनेंट या बेसिक पार्ट ऑफ लेथ मशीन। बेसिक पार्ट ऑफ लेथ मशीन टूल सबसे पहले आ जाता है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक का क्या काम है? एक बात होती है लेथ मशीन किस मोटर पे काम करता है तो हम लोग याद रखेंगे। ये हम लोग गेट ऑफ पीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2012 में पूछा गया था कि लेथ मशीन किस मोटर पे काम करता है? थ्री फेस मोटर पे। किस पे? थ्री फेस पे। तो याद रखिएगा किस पे काम करता है? थ्री फेस पे। अब हम लोग सबसे पहले सब बेसिक पार्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है? हेड स्टॉक हमारा किस साइड रहता है लेथ मशीन के? राइट साइड पे। किस किधर रहता है? लेफ्ट साइड पे। सॉरी, इट इज इंस्टॉल्ड अंडर लेफ्ट साइड। इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द लेफ्ट साइड। हेड स्टॉक का मतलब क्या होता है? हमारा ब्रेन हेड, हमारे ब्रेन में ही सारा कुछ रहता है। तो इसे लेथ का, लेथ मशीन का ब्रेन कौन हो गया? हेड स्टॉक। हेड स्टॉक बोले तो आप लोग का जो जितना भी गियर है, मोटर है, सारा हेड स्टॉक में ही रहता है। गियर चेंजिंग स्पीड हम लोग आरपीएम जो चेंजिंग करते हैं सारा हेड स्टॉक पे ही सारा मैकेनिज्म होता है। तो ये लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में रहता है। और प्लस ये यहाँ क्या रहता है? गियर एंड पुली टू कंट्रोल द आरपीएम, टू कंट्रोल द आरपीएम ऑफ लेफ्ट। तो हेड स्टॉक में क्या क्या रहता है? हेड स्टॉक के बाद क्या? ये हेड स्टॉक है, यह गियर, गियर हो गया, पुली हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है? स्पिंडल आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पिंडल का काम क्या है? पावर को ट्रांसमिट करता है चक में। किस पे? चक पे, चक पे। और चक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ चक? हम लोग अब चक का फंक्शन पढ़ेंगे। तो सेकेंड में आते हैं हम लोग चक पे। चक का फंक्शन क्या है? चक का फंक्शन है कि टू होल्ड द जॉब, टू होल्ड और ग्रिप द जॉब। और टाइप कितना है? चक के कितने टाइप है? टू टाइप, थ्री जॉ एंड फोर जॉ। जॉ बोले तो क्या होता है? जॉ देखिए, ये चक का हम लोग फ्रंट साइड लेते हैं, ये तीनों क्या है? जॉ है। ये तीनों मूवमेंट जब भी हम लोग यहां पे की स्लॉट रहेगा, की स्लॉट जब भी हम लोग को जॉब को अगर रिमूव करना है या जॉब को फिक्स करना है तो हम लोग की स्लॉट से लूज करेंगे। तो ये तीनों क्या होगा? साइमल्टेनियसली मूव करेगा। तो हम लोग थ्री जो चौक, इसी थ्री जो चौक को हम लोग यूनिवर्सल जॉब कहते हैं। ये पूरा कास्टिंग से बना होता है। किससे बनाता है? कास्टिंग से। और ये सिर्फ ये किस चीज का होता है? ये स्टील का होता है। जॉ किस चीज का बना होता है? स्टील का।
तो हम लोग चक हो गया, चक के बाद हमारा क्या आ जाता है, बेड। क्या आ जाता है, बेड। तो बेड का मतलब क्या था, हमने बेड का तो इसके पहले प्रीवियस डायग्राम में देखा था ना, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बेड, बेड का क्या था, टू माउंट रेस्ट कंपोनेंट ऑफ द लेग। बेड क्या, हमारे घर का बेड जैसा है, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। इसका दूसरा नाम क्या है, बेस। तो मैं इसको बताना चाह रहा हूं कि बेस वेयर द ऑल पार्ट्स आर माउंटेड। समझ में आया, हाँ। और ये किस चीज का बनाता है, कार्बन, सॉरी कास्ट आयरन का। किस चीज का, कास्ट आयरन का, मींस कास्टिंग से बनता है ये। जितना भी हेड स्टॉक भी आपका कास्टिंग से बना था, आपका चक भी कास्टिंग से बना था, बट जॉ सिर्फ किस चीज का था, स्टील का था, कास्टिंग। तो हम लोग आते हैं टेल स्टॉक पे। टेल स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक जनरली ये राइट साइड पे होता है, जनरली इट इज प्लेस ऑन द, जनरली ये कहां पे होता है, राइट साइड पे होता है। और ये किस चीज से बना होता है, कास्ट आयरन से। और टेल स्टॉक का पार्ट है आपका, टेल स्टॉक रहता है इस तरह से, ये स्लीव है और ये सेंटर है। क्या है, सेंटर, इसको स्लीव कहेंगे, ये सेंटर कहेंगे इसका। ये सेंटर का एंगल होता है आपका 60 डिग्री। अगर किसी लॉन्ग वर्कपीस है, टेलीस्टॉक का काम क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी वर्कपीस, लॉन्ग वर्कपीस। जैसे क्रैंकशाफ्ट मैंने कहा था लास्ट ये प्रीवियस डायग्राम में, तो लॉन्ग वर्कपीस को, तो ये हमारा सेंटर, इसका ये सेंटर का टिप एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अगर हमारा पूरा फ्लैट सरफेस है, अगर हाई वेट एंगल, अगर मेरा एकदम मतलब पूरा फ्लैट सरफेस है, तब हम लोग क्या उसको, अगर वेट भी ज्यादा है तो हम लोग ये टिप नहीं रहेगा, ये फुल 90 डिग्री रहेगा सेंटर, तब ये स्लीव आएगा, उसके बाद ये टेल स्टॉक। कब, ये जब हाई वेट रहेगा तब। तो अब मैंने अभी क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हेड स्टॉक पढ़ लिया, चक पढ़ लिया, टेल स्टॉक पढ़ लिया, ऊपर का सारा हो गया। अब हमारा वेज आता है, जो टेल स्टॉक जो मूवमेंट करता है आगे पीछे, ये मतलब आगे पीछे हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, किस मतलब कैसे होता है, ये वेज पे होता है। वेज इज जस्ट लाइक अ ट्रैक, जस्ट लाइक अ ट्रैक, जस्ट लाइक अ ट्रैक। हम लोग पटरी देखे ना, रेल 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 ट्रैक, उसी तरह होता है, जिसपे ये साइड व्यू है, इसके ऊपर हमारा टेल स्टॉक, कैरेज, जितना भी कंपोनेंट है, मूवेबल कंपोनेंट, सैडल, ये सब मूव करता है। कैरेज और टेल स्टॉक मूव करता है। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह होता है, ये हो गया अपना बेस। इसके ऊपर आगे पीछे ये लेफ्ट राइट मूवमेंट करता है। तो हमारा वेज, अब इसके बाद आ जाता है कैरेज। क्या आ जाता है, कैरेज। कैरेज क्या होता है, कैरेज क्या होता है, कैरेज इज अ कॉम्पोनेंट विच इज सिचुएटेड बिटवीन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। कैरेज क्या है, कैरेज एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में सिचुएटेड है। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें 5 कॉम्पोनेंट माउंट किया गया है। तो कैरेज, कैरेज के टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट्स आर माउंट। कितने पार्ट से टोटल माउंट किया गया है, 5। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सैडल। दूसरा क्या आ जाएगा, टूल पोस्ट। थर्ड एप्रॉन। फोर्थ क्या आ जाएगा, क्रॉस स्लाइड।
एंड फिफ्थ क्या आ जाएगा टोटल कंपाउंड स्लाइड। तो हमारा सैडल क्या है, सैडल स्लाइड ओवर दी बेड, जो सैडल होता है हमारा बेड बेड पर स्लाइड करता है। और क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड क्या होता है, क्रॉस स्लाइड ये लॉन्गिट्यूडनल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर ये अपना मूवमेंट करता है। जैसे ये लेथ है, अगर ये लेथ है, यहां हमारा कैरेज है, कैरेज पे सैडल का मूवमेंट किधर रहेगा, इस तरह ट्रांसवर्स मूवमेंट जिसको कहते हैं, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स नहीं, ये हमारा मूवमेंट है लॉन्गिट्यूडनल। कंपाउंड स्लाइड का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंपाउंड क्या है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एप्रॉन क्या है, कैरेज का फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड ये मूवमेंट हमारा लीड स्क्रू के साथ, हमारा लीड स्क्रू के साथ जो इंगेज रहता है ऑटो फीड के लिए, वो एप्रॉन का काम है, फ्रंट साइड ऑफ कैरेज। और टूल पोस्ट टू होल्ड द टूल, कटिंग टूल, हमारा जो मशीनिंग होता है, मशीनिंग किसके मदद से होता है, टूल के मदद से, और वो टूल कहां होता है, टूल पोस्ट पे, जस्ट लाइक अ गोल पोस्ट, फुटबॉल हम लोग गोल पोस्ट खेलते हैं वैसे टूल पोस्ट, टूल पोस्ट बिना कटिंग टूल के मदद से हम लोग टूल पोस्ट, मतलब कटिंग टूल के मदद से हम लोग मशीनिंग नहीं हो सकता। टूल पोस्ट बहुत ज्यादा इसलिए होल्ड किया जाता है कि बहुत ज्यादा कटिंग फोर्स बहुत जरूरत है, इस कारण हम लोग टूल को होल्ड किया जाता है। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आपका क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड स्लाइड, ये सब हो गया। अब हम लोग लीड स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या है, थ्रेडेड लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग रॉड, थ्रेडेड, इसका काम क्या है, इसका काम है कि हम लोग को ऑटो फीड देने के लिए काम आता है, पहला प्रोवाइड ऑटो फीड एंड सेकेंड थ्रेडिंग ऑपरेशन में काम में आता है, इस काम पे आप किस थ्रेडिंग ऑपरेशन में। और जो थ्रेडिंग है इसका एंगल कितना रहता है 29 डिग्री, कितना रहता है ये थ्रेड 29 डिग्री एंगल पे रहता है। तो हमने लीड स्क्रू पढ़ा, लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट कंपोनेंट आ जाता है लेग, 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 जो बेड, बेड जितने भी टोटल इंक्लूडिंग बेड को भी सपोर्ट दिया जाता है, ये है लेग। ये हमारा क्या हो जाता है दोनों लेग। तो लेग क्या, लेग का काम क्या है, लेग का काम क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वर्किंग होता है, बहुत ज्यादा कटिंग फोर्स, बहुत ज्यादा मोटर, मोटर वाइब्रेट करता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होने के कारण, गियर चेंजिंग होने के कारण वाइब्रेट होता है, तो उस वाइब्रेशन को रोकता है, जो आपका कटिंग का कटिंग के ड्यूरिंग, मतलब मशीनिंग के ड्यूरिंग कोई भी इफेक्ट नहीं आने देता है, और उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, टू प्रिवेंट, टू रेजिस्ट द मैकेनिकल वाइब्रेशन, टू रेजिस्ट द मैकेनिकल वाइब्रेशन। यह हमारा बेसिक कंपोनेंट खत्म हो गया है, बेसिक पार्ट्स आपका ये लेंथ का। सबसे पहले क्या पढ़े थे, हेड स्टॉक, हेड स्टॉक क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में रहता है, जो कास्टिंग से बना होता है, उस पर स्पिंडल कनेक्ट रहता है, उसके चक रहता है। सेकंड पार्ट, चक का काम क्या है, टू होल्ड द वर्क पीस। चक कितने टाइप का होता है, थ्री जे चक, फोर जे चक, थ्री जे चक का क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल चक कहा जाता है। सेकंड हमारा फोर, थ्री जे चक का हम लोग ऑटोमेटिक चक भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक साइमल्टेनियसली मूवमेंट करता है। फोर जे चक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब फोर जे चक जहाँ स्क्वायर हम लोग का रहता है, मीन्स हमारा अभी तक हम लोग सिलिंड्रिकल कंपोनेंट था, अगर हमारा स्क्वायर कंपोनेंट है तो स्क्वायर को हम लोग सिलिंड्रिकल बनाएंगे, तो उस जगह क्या काम आएगा, हम लोग का फोर जे चक काम आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक किस काम आता है, लॉन्ग वर्क पीस को सपोर्ट देने में और ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी काम पे आता है। हमने उसके बाद क्या पढ़ा, कैरेज, कैरेज क्या है, कैरेज कॉम्पोनेंट विच इज सिचुएटेड, जो आपका सिचुएटेड बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, विच इट है फाइव कंपोनेंट माउंट इन इट, पांच कंपोनेंट माउंट है, कौन कौन सा, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, एप्रॉन, टूल पोस्ट।
तो हम लोग टूल पोस्ट का काम क्या है, टू होल्ड द टूल रिजिडली। सेकंड कंपाउंड स्लाइड का काम क्या है, जो हमें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देता है। और ये हमारा क्रॉस स्लाइड का क्या है, जो ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ मूवमेंट देता है। हमारे एप्रॉन का काम क्या है, जो इंगेज करता है, हमारा ऑटोमेटिक फीडिंग में मदद करता है, फ्रंट साइड ऑफ कैरेज है। उसके बाद हमने लीड स्क्रू के बारे में पढ़ा। लीड स्क्रू क्या है, जो थ्रेडेड लाइक फीड रड, सिमिलर टू फीड रड है ना, जो हमारा ऑटोमेटिक फीड और थ्रेड बनाने में ऑपरेशन में काम, थ्रेडिंग ऑपरेशन में काम में आता है। उसके बाद हमने बेड पढ़ा। बेड का वर्किंग क्या है, टू सपोर्ट द बेड पे ही हमारा सारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज सारा कुछ माउंट रहता है। उसके बाद हमारा लेग है। लेग का काम क्या है, जो टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन होने से रुकता है। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका गियर।